नमस्कार। ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि जब हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से मॉर्निंग एक्सरसाइज ना कर पाए, तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब योग का अभ्यास करके दिन की शुरुआत होती है तो दिन बड़ा अच्छा जाता है, जबकि जिस दिन हमने ये ना किया हो तो वो दिन इतना अच्छा नहीं जाता। आज मैं आपको एक बेहतरीन और बड़े आसान बॉडी स्ट्रेच के बारे में बताऊंगी, जो आप अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए रुक रुक कर पूरे दिन कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, सुबह के जो एक घंटे का समय जो हम आसन करने में बिताते हैं वो तो नहीं हुआ, तो ज़रूरी है कि दिन भर में थोड़े थोड़े समय में बीच बीच में 5 मिनट का गैप देते हुए आप ये सादे से सरल आसन जो हम अभी बता रहे हैं वो करते रहें, तो उसका असर भी उतना ही अच्छा होगा जो आप सवेरे एक घंटा निकालने में करते हैं। सबसे पहला वॉल एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए, दोनों हथेलियों को दीवार पर टिकाकर खड़े हो जाएं, धीरे धीरे अपने आप को पीछे धकेलें और समकोण स्थिति में जाएं। आपका ऊपरी शरीर का भार फ्लोर के समानांतर रख कर अपने दोनों पैरों को एकदम सीधा रखें और इस स्थिति में रुकें। आपके हाथ सीधे और अच्छी तरह फैलाए हुए होने चाहिए, इससे आपकी आर्मपिट खुली रहती है। चेस्ट अच्छी तरह फैलाएं और शोल्डर्स राउंडेड रहें। इसी में एक दूसरा प्रकार है शोल्डर स्ट्रेच का, जो 2 मिनट के लिए है। दीवार के सहारे खड़े हो जाएं, अपने पाम्स को दीवार पर रखें और इसे तब तक पीछे करें जब तक कि आपका हाथ आपके ऊपरी शरीर के साथ सीधा ना हो जाए। सामान्य श्वासोश्वास के साथ वहीं खड़े रहें। ये आपके शोल्डर जॉइंट्स को अच्छा स्ट्रेच देता है और वो उसे खोलता है। दूसरा वॉल पुशअप। एक तो है डोर एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए, इसे आप दोनों हाथों से डोर पैनल पर भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को रखकर जब आप आगे की ओर झुकेंगे तो आप और भी अधिक स्ट्रेच महसूस करेंगे। एक और इसका प्रकार है विंडो फ्रेम पर दोनों पाम्स के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। ये आपके आर्मपिट और चेस्ट को ओपन करता है और अच्छा स्ट्रेच देता है। तीसरा विंडो स्ट्रेच 5 मिनट के लिए, खिड़की की ओर जाएं और अपने हील को एक पैर को उठाकर खिड़की पर रखें और ऐसे ही खड़े रहें। आप देखेंगे कि आपका पूरा पैर स्ट्रेच हो रहा है, और यहाँ जब आप अपने टो को पकड़ने के लिए आगे झुकेंगे तो ये और भी बेहतर स्थिति होगी, एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। इस स्ट्रेच से आपकी कमर, घुटने, पैर और हील्स तक के पूरे हैमस्ट्रिंग मसल्स को काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मिल रही है। आप बहुत हल्का और स्वस्थ महसूस करेंगे। आप इसका एक साइड वेरिएशन भी कर सकते हैं। आप खिड़की की ओर जाएं और साइड से अपने एक पैर को उठाएं और इस स्थिति में थोड़े समय रहें। साइड की ओर बेंड करते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न करें। आप अपने थाइज हिप्स के एरिया में अच्छा प्रेशर महसूस करेंगे। चौथा चेयर स्ट्रेचेस। आप अपनी कुर्सी पर चेयर पर बैठे बैठे ही काफ़ी स्ट्रेच कर सकते हैं। आप पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो इसी वक्त आसान से चेयर पर बैठकर ये एक्सरसाइज की जा सकती है। सीटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। अपने पैर को स्ट्रेच करते हुए आगे झुकते हुए अपने अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। टो को पकड़ते हुए इसी पोजीशन में कुछ सेकंड के लिए रहें। इस स्ट्रेच को करने का सबसे श्रेष्ठ समय है खाने से पहले करना। अगर आपको झुकना मुश्किल लगता हो तो आप पैर को ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके पैरों के लिए और विशेष रूप से आपके काफ मसल, बैक और थाई के लिए। ध्यान रखिए कि झुकते समय आप बैक को हंच नहीं कर रहे, यानी कि झुकते समय आप अपनी पीठ को सीधी रखेंगे और अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे स्ट्रेच से आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, पेट में गैसेस नहीं बनेंगे, एसिडिटी नहीं होगी। अब दूसरा है चेयर ट्विस्ट। सबसे पहले अपने हाथों को सामने स्ट्रेच करिए, राइट हाथ को राइट की ओर ट्विस्ट करिए
और शरीर को भी उस तरह घुमाइए। ये हमारी पूरी स्पाइन के लिए बहुत अच्छी ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, इसे दोनों तरफ दोहराइए। पांचवा है नेक स्ट्रेचेस। चेयर पर बैठे हुए आप आसानी से नेक की स्ट्रेचेस कर सकते हैं। अपनी नेक को बारी बारी से राइट साइड और लेफ्ट साइड पर स्ट्रेच करिए। इसके बाद नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये स्ट्रेचेस का लाभ काफ़ी है, वो थायराइड को काफ़ी एक्टिवेट करता है। दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे हम हमेशा नीचे देखते हैं या सामने देखते हैं, इसीलिए कोशिश करिए कि आप ये नेक की एक्सरसाइज रोज़ करें, रादर दिन में दो बार करें, और इसे करने के लिए 2 से 5 मिनट लगते हैं। छठा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। चेयर पर बैठे बैठे आप सांस लेने की एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। योग में प्राणायाम को बहुत महत्व दिया है। सवेरे अगर समय नहीं मिला हो तो चेयर पर बैठे बैठे ही आप प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप सांस अंदर लें और सांस को छोड़ें, पूरा मन सांस पर केंद्रित हो, और लंबा सांस लिया और उतने ही समय में लंबा सांस छोड़ा, जिसे हम इक्वल ब्रीदिंग कहते हैं, प्राणायाम नंबर 1। तो यही चीज़, जैसे कि 3 सेकेंड सांस लिया अंदर और 3 सेकेंड सांस छोड़ा, और ये 20 राउंड से 30 राउंड आप आसानी से कर सकेंगे। और ये 30 राउंड करने के बाद में थोड़ी देर यूं ही रुके रहें, और फिर कैसे नॉर्मल हम सांस लेते हैं उसके प्रति जागरूकता बढ़ाएं। तो हमने जो अभी बातें कही, अलग अलग वॉल स्ट्रेचेस और सिंपल सिंपल कुर्सी पर बैठकर करने वाले स्ट्रेचेस, ये सारी चीज़ें आप दिन भर में थोड़ी थोड़ी कभी कभी कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही, उसके साथ में आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छी तरह सुधर जाएगा। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि दिन भर में कम से कम 20-21 मिनट तो अपने लिए निकालिए। एक समय में ना भी निकाल सको तो थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, लेकिन ज़रूरी है खुद के लिए समय निकाल कर शरीर को थोड़ा स्वस्थ बनाना, रिजुविनेट बनाना, और ये आप आसानी से कर पाओगे। ये सारे स्ट्रेच आप अपनी सुविधा के अनुसार दिन भर में बांट सकते हैं, जैसे सुबह 5 मिनट वॉल स्ट्रेच कर लिया, दोपहर में विंडो स्ट्रेच कर लिया, और इसी तरह अंतराल पर अन्य स्ट्रेचेस भी किए, जब भी कुर्सी पे बैठे हैं कुछ कर लिया, जब भी लेटे हैं कुछ कर लिया, यानी इस तरह हमें अपने आप को ध्यान देकर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयत्न करना है। इन अभ्यासों के साथ साथ दिन भर में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा। हमें अमुक चीज़ों का बराबर पालन करना होगा, जैसे कि दिन में हम क्या करें और क्या ना करें। ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस दिन आपने सवेरे सवेरे एक्सरसाइज नहीं की है उस दिन आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, भोजन के पहले 5 से 10 मिनट ब्रिस्क वॉक करना बहुत फ़ायदेमंद होगा, और भोजन के बाद में टहलना, कदम बढ़ाना, ये भी उतना ही फ़ायदेमंद होगा। एक बात याद रखिए कि एनर्जी हमारी बात करने में बहुत वेस्ट होती है, हम मुंह से जो कर्म करते हैं ना उसमें बहुत वेस्ट होती है, इसलिए अपनी एनर्जी बचाए रखें, कम बोलें, मितभाषी बने। वैसे ही जब भी समय मिले, खुली खिड़की के सामने खड़े हैं आप या बाहर निकल गए और अपनी सांसों पर थोड़ा ध्यान दे दिया, ये भी उतना ही ज़रूरी है करना। चेयर पर बैठकर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बराबर कर सकते हैं, और गर्दन की एक्सरसाइज भी वही बराबर हो सकती है। आजकल का जीवन जहाँ हमारे व्यस्त और अनिश्चित शेड्यूल में हम शायद सवेरे 1 घंटा ना निकाल सकें, तो भी दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हमने अभी बताया, आप समय तो निकाल ही पाएंगे, और वो करना बहुत ज़रूरी है। खुद को संभालना, खुद का ध्यान रखना है, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना, और कुछ न कुछ शरीर के लिए, कुछ न कुछ मन को शांत रखने के लिए, कुछ न कुछ सांसों को लंबी रखकर एनर्जी बढ़ाने के लिए करते ही रहें। दिन भर में अपना ध्यान रखें, और ये अनिश्चित जीवन जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसमें
अपने आप को भूल ना जाए, खुद को संभालना है, खुद का ध्यान रखना है। बस ये सब करेंगे तो जीवन बहुत ही स्वस्थ और सुंदर रहेगा। नमस्कार।